जिस तरह से शादियों में पार्टियों में सब्जी बनती है, आज हम उसी तरह से बैंगन और आलू की सब्जी बना रहे हैं। यकीन मानिए, आप एक बार इस तरह से सब्जी बनाओगे तो हर बार ऐसे ही बनाना पसंद करोगे। इतनी टेस्टी सब्जी बनती है कि आप उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाओगे। चलिए देखते हैं कैसे बनाया जाता है सुपर टेस्टी बैंगन और आलू की सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मनोरमा। कुक विद मनोरमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बैंगन और आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर हमने बैंगन लिए हैं। वजन में 500 ग्राम है, लंबे साइज वाले बैंगन है। आप चाहे जैसे बैंगन ले लो। इसके डंठल आगे के सारे हमें निकाल लेने हैं। एक बड़े बर्तन में हमने पानी लिए हैं, कट करके हम पानी में रखेंगे। पहले हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे, फिर इस तरह से लंबे पीस में मैं यहाँ पर कट कर रही हूँ, इस तरह से। बैंगन को थोड़ा बड़ा ही काट रहे हैं क्योंकि जब पकने के बाद में बहुत सिकुड़ जाता है, इसलिए थोड़े बड़े पीस में से रख रहे हैं। अगर आपको राउंड शेप में कट करना है, जिस तरह से आपको पसंद है आप उस तरह से कट करिए। मैं यहाँ पर लंबे शेप में से कट कर रही हूँ। बैंगन सारे हमने लंबे पीस में कट कर लिए हैं। बैंगन कट करने के बाद में इसे पानी में रखना बहुत ज़रूरी है, वरना नहीं तो ये बहुत जल्दी काला हो जाता है। यहाँ पर मैंने 3 आलू ली हूँ, इसे छील ली हूँ। इसे भी पानी में रखा गया है क्योंकि आलू भी बहुत जल्दी काला हो जाता है। इसे भी हम लंबे पीस में कट कर लेंगे। आलू की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा कर सकते हो। आलू भी हमने कट कर लिए हैं। अब हम गैस की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने 3 चम्मच ऑयल रखे गर्म होने के लिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। इसमें हम कटे हुए आलू डाल देंगे और इसे हमें तेज आंच पर फ्राई करना है। आंच को धीमा बिल्कुल नहीं करना है, तेज आंच पर, इस पर आलू पर कोटिंग आ जाए तब तक हम इसे फ्राई कर देंगे। 80% तक का आलू हमारे ऑयल में ही पक जाने चाहिए। इस तरह से हम इसे फ्राई करेंगे। आलू पर देखिए अच्छे से कोटिंग आ चुकी है। अब इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। देखिए आलू हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसी ऑयल में बैंगन को फ्राई करेंगे। सारे बैंगन हम इसी में डाल देंगे। और इसे भी हम 80% तक का ऑयल में ही पकने देंगे। तेज आंच पर फ्राई करना है, आंच धीमा बिल्कुल नहीं करना है। आलू और बैंगन साथ में फ्राई नहीं करना है क्योंकि आलू को फ्राई करने में थोड़ा समय लगता है, पर बैंगन को समय नहीं लगता है। ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे। अगर हम साथ में डालते तो बैंगन पूरे मैशी हो जाते। इसके लिए हमें अलग अलग ही फ्राई करना है। इस तरह से फ्राई करके सब्जी बनाएंगे। आलू फ्राई करेंगे, बैंगन फ्राई करेंगे, सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप एक बार इस तरह से ट्राई ज़रूर करें। बैंगन भी देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इसका भी कलर फिर थोड़ा चेंज हो गया है और सॉफ्ट भी हो गए हैं। अब इसे हम ऑयल में से निकाल लेंगे। जिस बर्तन में हमने आलू निकाले थे उसी में बैंगन को भी हम निकाल लेंगे। देखिए बैंगन आलू दोनों हमने फ्राई कर लिए हैं और दोनों को एक ही बर्तन में हमने निकाले हैं। यहाँ पर हमने कुछ मसाले लिए हैं। 2 बड़े साइज के प्याज है, हरी धनिया की डंठल है, 2 इंच अदरक का टुकड़ा है, 3 से 4 हरी मिर्च है और 8 से 10 कली लहसुन की है। इन सबको हमें एक साथ महीन मिक्सी में पीस लेना है। यहाँ पर हमने 2 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं। इसे भी मिक्सी में पीसना है, पर इसे अलग पीसना है, साथ में नहीं पीसना है। मसाला देखिए हमने पीस लिए हैं।
और उसी मिक्सी जार में हमने टमाटर भी अलग से पीस लिए हैं। हम उसी ऑयल में बनाएंगे जिस ऑयल में हमने फ्राई किए थे आलू और बैंगन। एक्स्ट्रा और ऑयल इसमें डालना नहीं है। यहाँ पर हमने मेथी दाना लिए है, थोड़ा ही मेथी दाना का यूज़ करना है। मेथी दाना थोड़ा तड़का लेंगे इसका, अगर तड़का देंगे बैंगन की सब्जी में मेथी दाना का, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आने लगती है। मेथी दाना देखिए तड़क चुका है, अब इसमें हम हींग डाल देंगे थोड़ा। अब इसमें हमें पिसे हुए मसाले डालने हैं, जो मसाले हमने प्याज लहसुन अदरक सब पीस के रखे थे उसे डालेंगे, और इसे अच्छे से भून लेना है चलाते हुए। मसाले सारे अच्छे से पक जाए तब तक इसे हम भून लेंगे, इसका थोड़ा कलर भी चेंज हो जाएगा, और जब मसाला पक जाएगा तो इसमें से खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगती है। मसाला देखिए अच्छे से पक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसी समय इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे सूखे। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर, 2 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का यहाँ पे यूज़ किया गया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुछ सेकेंड्स के लिए हम मसाले को भुनने देंगे। देखिए मसाला अच्छे से भुना जा चुका है, अब इसमें हम पिसे हुए टमाटर डाल देंगे, जो टमाटर हमने पीस के रखे थे उसे डालना है। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, 1 चम्मच यहाँ पर हमने नमक का यूज़ किया है। मसाले को अच्छे से मिक्स करके 5 से 6 मिनट हम मसाला पका लेंगे। मसाला देखिए अच्छे से पक चुका है, खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगी है। इसी समय इसमें हम फ्राई किए हुए बैंगन और आलू डाल देंगे। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले में बैंगन आलू अच्छे से सब मिक्स हो जाना चाहिए। इस तरह से सब्जी बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। जिस तरह से शादियों में पार्टी में बैंगन आलू की सब्जी बनती है, सेम उसी तरह से सब्जी हम बना रहे हैं यहाँ पर। इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। देखिए अच्छे से सब मिक्स हो चुका है, अब इसमें हम पानी डालेंगे। पानी हमें ज़्यादा नहीं डालना है, यहाँ पर हमने 1 कप पानी का इस्तेमाल किए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि सब्जी हमारी ऑलरेडी पकी हुई है, 80 to 90% पक चुकी है। इसी भी इसे 10 to 20% ही पकाना है, इसके लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें हम बॉईल आने देंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूले। सब्जी में बॉईल आ चुका है, अब इसमें हम कुछ मसाले और डालेंगे। 1 चम्मच गरम मसाला है, 1 चम्मच कसूरी मेथी है, इसे हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, और हरी धनिया डालेंगे। थोड़ी सी हरी धनिया हम रख देंगे गार्निशिंग के लिए, और इसे अच्छे से मिक्स करना है। कसूरी मेथी से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है हरी धनिया से। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब इसे हम ढक देंगे और मीडियम आंच पर 2 से 3 मिनट पकाएंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं, इतने में हमारी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी। देखिए सब्जी हमारी पक चुकी है, मैं एक आलू कट करके बताती हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से आलू कट जा रहा है, पूरी सब्जी हमारी पक चुकी है। हमने जब ऑयल में पकाए थे तो ही 90% हमारा आलू पक गया था, बैंगन पक गया था। इस तरह से सब्जी बनाएंगे तो बस एक ही बात ध्यान में रखना है कि आलू हमें अलग से फ्राई करना है, बैंगन अलग से फ्राई करना है, क्योंकि आलू फ्राई करते समय समय लगता है और बैंगन में समय नहीं लगता, बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। अगर हम साथ में फ्राई करेंगे तो बैंगन कैसे पीस दिखाई नहीं देते हैं, पूरा मैशी हो जाता है, फिर वो खाने में अच्छा नहीं लगता है। अब इस पर हम हरी धनिया डाल देंगे, इसे गार्निशिंग कर देंगे। सुपर टेस्टी हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसे आप गर्मा गर्म रोटी पराठे दाल चावल प्लेन राइस के साथ में इंजॉय करिए, बहुत ही टेस्टी लगता है इस तरह से सब्जी। आप एक बार ज़रूर बनाइए। गैस को अब हम बंद कर देंगे।
देखिए डिलीशियस सब्जी हमारी बनकर तैयार है। अगर आपको ये सब्जी पसंद आई हो तो एक लाइक करिए, कुक विद मनोरमा चैनल को सब्सक्राइब करिए।